दोस्तों नमस्कार, मैं मार्गेश, आप देख रहे हैं फ्लूट गुरुजी। स्वागत है दोस्तों आपका आज फ्लूट गुरुजी के एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में जानेंगे दोस्तों एक सवाल का आंसर जो हमको पूछा है आकृति ने। आकृति पूछती है कि उनके पास एक फ्लूट है तो कैसे जाने कि वो जो फ्लूट है कौन से स्केल में ट्यून्ड है, राइट। तो आकृति आपके लिए दो सिंपल पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप फ्लूट पर सा बजाइए और सा बजाने के बाद आप ट्यूनर लगाइए सामने आपके। एक तो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ट्यूनर ऐप, या फिर आपके पास ऐसा एक फिजिकल मीटर होना चाहिए। तो इस मीटर पर आप जब सा बजाएंगे उस फ्लूट का तो नोट लिखकर आ जाएगा, राइट। तो जो फ्लूट का सा होता है वो होती है हमारी फ्लूट की स्केल। तो आप फ्लूट पर सा बजाइए और सिंपली चेक कर लीजिए कि कौन सा नोट लिखकर आ रहा है, तो वो फ्लूट होती है उस स्केल में ट्यून्ड। अब सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, पर सिर्फ सा ही चेक करने से हो जाएगा क्या? नहीं, हमको आगे के नोट्स यानी रेगम अप धनी सा हर एक नोट बजाकर चेक करना चाहिए कि अगर सा सी में ट्यून्ड है तो आगे के नोट्स भी उसके अकॉर्डिंग सी स्केल में ही होने चाहिए। अब ये जो स्केल और सुरों का कोरिलेशन है और पूरी फ्लूट कैसी चेक की जाए, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप आई बटन में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।